हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजू शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सअप ऑलमोस्ट आवर वर्ल्ड हमारे दुनिया में सभी लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो व्हाट्सअप में जो 2021 में एक न्यू प्राइवेट पॉलिसी आ चुकी है, ये पॉलिसी इस पॉलिसी में कहा जा रहा है कि आपके जितने भी पर्सनल चैट्स हैं, जो भी चैट्स हैं, वो फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा, जिसकी वजह से व्हाट्सअप जो डाउनलोड है वो कम हो गए हैं। व्हाट्सअप अब डाउनलोड कोई नहीं कर रहा, और अब जो है सिग्नल ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं। सिग्नल्स उसके जितने भी अगेंस्ट ऐप है, जैसे सिग्नल्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से डाउनलोड किए जा रहे हैं और लोग इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और सिग्नल्स को और व्हाट्सअप है जो व्हाट्सअप को अब लोग बंद करने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सअप जो है एक दो 8 फरवरी तक एक न्यू पॉलिसी है जो 8 फरवरी तक जितने भी व्हाट्सअप के यूज़र्स हैं उन्हें वो प्राइवेट पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका व्हाट्सअप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उनका डाटा भी जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो वो जो उनकी प्राइवेट पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, और वो प्राइवेसी को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है और उसे करना ही पड़ेगा, तभी आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस पॉलिसी में क्या कहा गया है? इसमें साफ तौर पर कहा गया है जो इंस्टेंट, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सअप जो है अब वो फेसबुक ने उसे ख़रीद लिया है, तो व्हाट्सएप की जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो जितने भी चैट्स है, प्राइवेट मीडिया है, ये सब जो है अब वो फेसबुक के साथ साझा करेगी, जिससे आपकी जो मैसेजिंग है वो सब फेसबुक के पास भी जाएगा, सारा डाटा शेयर किया जाएगा, जिसको लेके आई थिंक जितने भी यूजर्स हैं सब में प्रॉब्लम्स हैं, सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इस वजह से व्हाट्सअप के जो डाउनलोडर्स हैं वो कम हो गए हैं, और सिग्नल्स टेलीग्राम्स के जो डाउनलोडर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं हो रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी से उसे डाउनलोड किया जा रहा है टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप को। यहाँ पे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा प्रदाता व्हाट्सअप ने शनिवार को कहा कि उसके नए अपडेट्स से फेसबुक के साथ डाटा साझा करने की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। व्हाट्सअप पर फेसबुक का पूर्ण स्वामित्व, व्हाट्सअप ने यह सफाई नए अपडेट की दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचनाओं को बात दी है। व्हाट्सअप ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने उपयोगताओं को सेवा की शर्तों और गोपनीयता की नीति के बारे में अपडेट देना शुरू कर दिया है। तो इसमें साफ कहा जा रहा है जिसकी वजह से जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप को बंद कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अभी 2 दिन पहले जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो बने हैं एलन मास्क, उन्होंने भी ये मशवरा दिया है सभी लोगों को कि व्हाट्सएप के यूजर्स कम कर दिए जाए, व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाए। एंड आप अगर चैट्स करना चाहते हैं तो सिग्नल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्नल्स में भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं, पॉपुलर फीचर्स हैं, और न्यू अपडेट भी है, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप अपने आप को बचाने के लिए और अपना फेवर कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, वो जो भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा उसमें वो टाइट सिक्योरिटी करने के लिए कर रहा है, टाइट प्राइवेसी करने के लिए कर रहा है, इसलिए वो ये सारे जो उसकी प्राइवेट पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करना जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उसके उनके लिए कंपलसरी है, इसलिए ये व्हाट्सएप ये बोल रहा है, ओके। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं या सिग्नल्स यूज़ करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। 8 फरवरी तक अगर आप उनके जो भी पॉलिसी अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो व्हाट्सअप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप उसके प्राइवेसी को अगर एक्सेप्ट करते हैं तब आप व्हाट्सअप यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और ये जो व्हाट्सअप से रिलेटेड न्यूज़ है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सअप को अब आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको कोई अदर्स मैसेंजर यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।